नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी की सहायक नदियाँ। इससे पहले हम गंगा नदी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे उसके सहायक नदियों के बारे में। तो आइए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगोत्री के पास में एक जगह है जिसका नाम है बंदरपूछ। बंदरपूछ के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है यमुनोत्री। यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है यमुना। इस नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, इस डैम का नाम है लखवार डैम। तो आपको ध्यान रखना है कि लखवार डैम किस नदी पर है, यमुना नदी पर, और कौन से स्टेट में आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर एक और डैम था जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका नाम है टिहरी डैम। ये किस नदी पे था, भागीरथी नदी पे। यहाँ से ये नदी निकलती है, हरियाणा की बाउंड्री सीमा से होती हुई पहुँचती है दिल्ली। दिल्ली के बाद ये जाती है यूपी की, यूपी के एक शहर मथुरा, कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुँच गई। उसके बाद ये जाती है आगरा। आगरा आए तो आगरा का फेमस क्या है, ताजमहल। ये बनाया किसने था, शाहजहां ने। शाहजहां के पिताजी कौन थे, जहांगीर, और शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ये ताजमहल बनवाया था। इसको बनाने में करीब 22 साल लगे थे और 20,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें काम करा। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, ये जो वाइट मार्बल है ये मकराना राजस्थान से लिया गया है। इसके अलावा भी इसमें कई तरह के पत्थर लगे हुए हैं जो अलग अलग जगह से लाए गए हैं। इसकी जो ये चार मीनारें दिख रही हैं, इनको इस तरह से बनाया गया है कि अगर कभी भूकंप आता है तो ये बाहर की ओर ही गिरेगी हमेशा। गुंबद को कोई भी नुकसान नहीं होगा इन मीनारों की वजह से। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर जो था वो चित्रकला का माहिर था। ये किसी भी पेंटिंग को देखकर बता देता था कि वो किसकी बनाई हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि चित्रकला या चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके समय में था, जहांगीर के समय में, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय में आया, शाहजहां के समय में। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगरा से नदी आगे जाती है यमुना, और इलाहाबाद प्रयाग के अंदर गंगा में मिल जाती है। गंगा और यमुना के बीच एक और तीसरी नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। इसे अदृश्य नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम पता ही नहीं है कि कहाँ से होता है, दिखती नहीं है ये नदी, इसलिए इसको अदृश्य नदी भी कहते हैं। जिस जगह ये तीनों मिल रही है, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती, जहां पर मिलती है वो होता है त्रिवेणी संगम, जो कि इलाहाबाद प्रयाग में है। भारत का ये त्रिवेणी संगम फेमस है। अब बात करते हैं दूसरी नदी, सोन नदी की, जो एमपी के अंदर से बहती है अमरकंटक से। ये नदी एमपी से होते हुए जाती है यूपी, फिर यूपी से बिहार के पटना में जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। अब अगली नदी थी हमारी दामोदर नदी, जो कि झारखंड में है। ये छोटा नागपुर पठार से गुजरती है और वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। उसका कारण ये था कि इस नदी की वजह से बंगाल में बाढ़ अधिकतर आती थी, लेकिन जब दामोदर घाटी परियोजना आई, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी, पहली बहुउद्देश्यीय परियोजना थी, उसके बाद से ये बंगाल की जीवन रेखा बन गई। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का शोक किसे कहते थे, दामोदर को, दामोदर नदी को, और दामोदर घाटी परियोजना के बाद ये बंगाल की जीवन रेखा बन गई। ठीक है, इस जगह जहां पर ये तिब्बत है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा। ये नदी नेपाल होते हुए यूपी, यूपी के बाद बिहार में पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसी के पास दूसरी नदी आती है जिसका नाम है सरयू नदी। इसके दूसरे नाम भी हैं, इसको काली नदी भी कहा जाता है, और दूसरा नाम इसका है शारदा नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि सरयू के ही दूसरे नाम है काली और शारदा। एग्जाम में ये क्वेश्चन सरयू के नाम से आता है।
तो सरयू नदी इसी के पास से निकलती है नेपाल से होते हुए, ये जाती है यूपी, यूपी का एक शहर आता है अयोध्या। तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। ये आपको इसलिए ध्यान रखना है कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है अयोध्या। बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, राम मंदिर के लिए जो विवाद चल रहा है, तो उस लिहाजे से इंपॉर्टेंट रहता है। और ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये घाघरा के अंदर मिल जाती है। उसके बाद आती है गंडक, ये नेपाल से जाती है गंडक नदी, और बिहार, बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आती है कोसी नदी, ये नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता था। उसका कारण यही था कि इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ अधिकतर आती थी, इस वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना है कि दामोदर नदी तो थी बंगाल का शोक, और कोसी नदी है बिहार का शोक। अब एक नदी आती है उत्तराखंड के अंदर ही, जो नैनीताल के पास से गुजरती है, उसका नाम है रामगंगा। ये नदी यहाँ से बहती हुई जाती है यूपी, यूपी में एक शहर आता है कन्नौज। कन्नौज के पर पहुँच कर ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। एक नदी जो कि बाएं तट पर अंतिम नदी है, गंगा के सहायक नदी है अंतिम, उसका नाम है महानंदा, जो कि वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से निकलती है और वहीं पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि महानंदा के बारे में क्या ध्यान रखना है, कि ये बाएं तट से निकलने वाली अंतिम नदी है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग से निकलती है और यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा एक पॉइंट ये रह जाता है इसमें कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम जहाँ होता है वहाँ पर एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। किन दो नदियों से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है सुंदरवन डेल्टा, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। ये थी गंगा की सहायक नदियों के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।